जय बाबा की। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं मन चाहा वरदान पाने के लिए बाबा गुरु गोरखनाथ की पूजा विधि बता रहा हूँ, व्रत विधि बता रहा हूँ। शादी नहीं हो रही आपकी तो ये काम आएगी, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये काम आएगी, आपकी नौकरी नहीं मिल रही है तो ये काम आएगी, आपके घर बार में लड़ाई झगड़ा है तो ये काम आएगी, और यहाँ तक कि आपका काम धंधा नहीं चल रहा है तो भी ये वीडियो आपको काम आएगी। तो भैया देखिए, इतनी सारी प्रॉब्लम पर एक ही सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आज बहुत समय बाद बाबा महाराज की कृपा से ये वीडियो बनाने का मौका मिला है और आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। बस ध्यान समझिएगा, थोड़ी लंबी हो सकती है, लोग मुझसे शिकायत करते हैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि विधि पूरी है इसमें तो लंबी हो सकती है, पर प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, पूरी लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीज़ समझ कर इसको कीजिएगा, आपकी मनचाह इच्छा जरूर पूरी हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चैनल को अभी चेला गोरख का जो ये यूट्यूब चैनल है इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो भी और पुराने हैं तो भी, ध्यान रखिएगा आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। सब्सक्राइब का बटन नाम के साथ में जो लाल रंग में आता है SUB सब्सक्राइब करके लिखा हुआ, उसको क्लिक कर दें, बेल का घंटी का बटन होगा उसको दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिले। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की देखिए, जब भी आप कोई इच्छा मांगते हैं उनसे तो पहला काम क्या करना होता है, आपको परोपकार करना पड़ता है, परोपकार। ठीक है, तो वो कैसा होगा, आप इस वीडियो को जब शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो ये और लोगों तक पहुंचती है और जिसका भला होना होता है उसका भला होता है, पुण्य आपके खाते में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धामा हर की जय, बाबा सरकार की जय, जय जय मेरे गुरु गोरख तेरी, सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, ये मैं आपको विधि बता रहा हूँ, इसमें आपको बाबा के व्रत रखने हैं। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो विधि है ये तकरीबन तकरीबन 5 महीने में पूरी होती है, 5 महीने में, यानी कि 5 व्रत आपके होते हैं, हर महीने का एक व्रत होता है पूर्णिमा का, बाबा का, जो आपको करना होता है। पर ध्यान रखिएगा कि ये विधि पहले व्रत से ही अपना फल देना शुरू करती है। 5 व्रत जैसे, मतलब क्या होता है कि ना, हम लोग संकल्प करते हैं ना जब कि हमें ये काम करना है, अब हम संकल्प कर रहे हैं बाबा का, तो ये विधि पहले ही व्रत से आपको फल देना शुरू करेगी। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, हर महीने एक पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा हर महीने, जैसे अब ये जनवरी बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी 2023 की बात है, तो जनवरी 2023 में 6 तारीख की, 6 जनवरी की पूर्णिमा है, तो आप इसी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि पूर्णिमा वाले दिन नहा धोकर स्नान करके, अगर आपके घर में गंगा जल है और घर में है आप, बाहर नहीं है, तो आप गंगा जल डाल लें अपने गंगा नहाने के पानी में, और गंगा जल से स्नान करके पूर्णिमा वाले दिन नहा धोकर तैयार होकर आपको बैठना है, बाबा महाराज का ध्यान करना है, गुरु महाराज का ध्यान करना है, बोले सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ की जय, उनका ध्यान करते हुए आपको बैठना है। और बैठने के बाद आपको धूप बत्ती लगानी है, अगरबत्ती जो जलाते हैं वो अगरबत्ती जलाएं, हमारे यहाँ अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, हम धूप बत्ती लगाते हैं। बाबा का देसी घी का दीपक जलाना है आपको, ठीक है, देसी घी का दीपक जलाना है। इसमें मैं आपको धूना विधि नहीं कहूँगा क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में धूना नहीं हो पाता है, तो मैं इसमें धूना विधि नहीं बताऊँगा आपको। बाबा का दीपक लगाएं देसी घी का, धूप बत्ती करें, बाबा के हाथ जोड़ें, और पहला दिन है आज, यानी पहला व्रत है आपका, तो कुछ ना कुछ भोग प्रसाद जरूर रखें। ठीक है, और बाबा महाराज के सिर सामने बैठ के इसी तरह से ऐसे वैसे नाक रगड़े, अपनी नाक रगड़ के उनसे क्षमा प्रार्थना करें, अपने किसी भी दुष्कर्म के लिए, किसी भी गलती के लिए, किसी भी भूल के लिए आप उनसे क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि हमारा जो ये अभी काम, याद रखिएगा कोई भी एक ही काम बताइएगा, कोई भी एक काम बताइए, यानी कि लिस्ट बना दी पूरी कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, नहीं, कोई भी एक काम, अभीष्ट काम, उसकी बाबा हमारी सिद्धि कीजिए। और प्रण ले लिए उनके सामने कि बाबा मैं आपकी कृपा से, ये मत कीजिए मैं कर रहा हूँ, नहीं, बाबा कीजिए मैं आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं 5 पूर्णिमा बाबा महाराज आपके व्रत करूँगा पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, और आप मेरा ये अभीष्ट कार्य सिद्ध कीजिए, ऐसा करके आप बाबा के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, 11 बार, 11 बार ओम श्री गुरु गोरक्षनाथाय नमो नमः, दोबारा बता देता हूँ, ओम श्री
गुरु गोरक्षनाथाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना केवल 11 बार, ज्यादा नहीं करा मैं आपसे, केवल 11 बार आपको जाप करना है, ठीक है? जाप करना है, आपको इससे प्रण ले लेना है, और जो भी भोग आप चढ़ाना चाहते हैं बाबा को वो भोग आप चढ़ाइएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आप 11, 21, 31, 51, 101 जो भी आप दक्षिणा रखना चाहें वो दक्षिणा बाबा के नाम की वहां पर जरूर रखिएगा, ठीक है? ये हो गया पहले दिन का। अब आपको क्या करना है, व्रत करना है, पूरी पूर्णिमा वाले दिन आपको व्रत रखना है। व्रत का ध्यान रखिएगा एक ही बार आप फल मतलब आप फलाहार कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार अपना व्रत खोल सकते हैं, किसी भी टाइम खोलिए आपकी मर्जी है, पर एक ही बार खोल सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा एक जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन आप मदिरा मांस दारू मच्छी बीड़ी सिगरेट गुटखा कुछ नहीं खाएंगे। दो सात्विक भोजन होगा, सिंपल भोजन होगा, रोटी सब्जी पराठे आलू जो भी खाना है बट सात्विक होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा कोई मसाला खाना जो होगा बिन मसाले का, हल्के फुल्के मसाले का होगा, बहुत ज़्यादा तला भुना मसाला खाने का नहीं होना चाहिए। तीसरा, आप उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यानी कि जिस दिन आपने व्रत लिया है पूर्णिमा का, अगले दिन सुबह, हमारे यहाँ जो व्रत होते हैं ना वो अगले दिन सुबह तक चलते हैं, यानी कि जब तक आप सूर्योदय में, अगले दिन सूर्योदय होने के बाद नहा धो ना लें, पूजा पाठ ना कर लें या जो भी कार्य कर लें ना कर लें, तब तक वो व्रत रहता ही रहता है। इसलिए याद रखिए अगले दिन तक आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है? ये जो व्रत है आपको आपको बहुत आसान सी विधि बताइए, देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं बताया, केवल विधि क्या है, मतलब इसमें जो कहते हैं ना कि बाबा जी ऐसे तो व्रत कभी कोई भी कर सकता है, फिर इस व्रत से इतनी बड़ी शक्ति कैसे मिलेगी कि मनोकामना पूर्ण होगी, मैं बताता हूँ। इस व्रत में केवल आपकी भक्ति और आपकी जो प्रण आप ले रहे हैं, ठीक है, भक्ति और जो प्रण आप ले रहे हैं कि मैं 5 पूर्णिमा करूँगा लगातार, छूटेगी नहीं बीच में भी पूर्णिमा, लगातार पूर्णिमा की 5 पूर्णिमा के व्रत रखूँगा, और जो भक्ति आप दिखा रहे हैं इसी के ऊपर पूरी इस व्रत की महिमा टिकी हुई है, फल टिका हुआ है, ठीक है? तो जैसा आपने पहले किया, फिर आपने जब भी फलाहार करेंगे यानी जब भी आप अपना व्रत खोलेंगे, तो व्रत खोलते वक्त आप जो भी व्रत जिससे भी आइटम से जो भी सामान आपने प्रिपेयर किया है, चाहे तो फल हो चाहे तो रोटी सब्जी हो, ठीक है, जो भी हो चाहे मीठा हो, जो भी है, जो आप पहले दिन करेंगे वही 5ों व्रत में वैसे बिल्कुल सेम वैसा ही करना है आपको जो पहले व्रत में करेंगे। तो जो भी आप करेंगे उसमें से भी आपको बाबा का भोग निकालना है अलग, और उसके बाद आपको अपना फलाहार करना है, अपना जो व्रत है वो खोलना है, ठीक है? 5 पूर्णिमा लगातार महीने की, यानी कि 5 महीने आपको लगातार ये व्रत करना है, ठीक है? और 5वीं पूर्णिमा वाले दिन शाम को पहले आप मंदिर में जाकर किसी भी प्रसाद चढ़ाएंगे बाबा का नाम का, गरीबों में कुछ मीठा पीठा कुछ भी बांट सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं, उसके बाद अपना भोजन खोलेंगे मतलब फलाहार खोलेंगे, व्रत खोलेंगे 5वां, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक? तो इस तरह से आप करेंगे, आप यकीन मानिए अगर आपने पूरी भक्ति के साथ पूरे प्रण के साथ आपने ये 5 व्रत कर लिए, 5 पूर्णिमा के व्रत कर लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी मन की इच्छा जरूर पूरी होगी चाहे वो कितनी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, बस पूरी भक्ति के साथ पूरी श्रद्धा के साथ पूरे विश्वास के साथ बाबा के ऊपर अपनाकर आपको ये 5 पूर्णिमासी के व्रत करने ही करने हैं सिद्ध बाबा महाराज के। और अगर आप 5 पूर्णिमा के व्रतों में किसी भी पूर्णिमा में या 5वीं पूर्णिमा में या शुरुआत की पूर्णिमा में गंगा स्नान कर सकते हैं तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा, ये और अच्छी बात हो जाएगी। पर मैं आपको कंपलसरी नहीं कहूँगा, जिनके घर के पास में गंगा जी हों आस पड़ोस में या जो जा सकते हैं वो जरूर जाएं, गंगा स्नान अवश्य करें, चाहे 5वीं पूर्णिमा पर कर लें और भी अच्छा हो जाएगा। तो बाबा महाराज का व्रत कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुण्य कमाइए, बाबा गुरु महाराज आपकी कृपा अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय बाबा महाराज।